अस्सलाम करीमन, मैं हूँ मारिया खान, amana.com के प्लेटफॉर्म से, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जिस प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो एक मेरी नज़र में एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और बहुत अफोर्डेबल रेट्स में भी है। कुछ उसकी डिटेल्स, उसकी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो बहरिया टाउन फेज एट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेटेड है, और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि उसके सराउंडिंग में जितने भी अदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो कि मौजूद हैं उनकी मैंने प्राइसेस कंपेयर करके देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और उन तमाम प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में इसकी प्राइसेस जो है वो बहुत अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू दोज प्रोजेक्ट्स, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। जो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली हाई राइज बिल्डिंग है और इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये है कि ये एक 9th फ्लोर के ऊपर बेस करती है, एक हाई राइज बिल्डिंग है। यहाँ पर अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, कमर्शियल रेजिडेंशियल मिक्स वेंचर है यहाँ पर, ठीक है। टोटल इसके 9 फ्लोर्स हैं। उसके अलावा जो इसके डेवलपर्स हैं वो हैं MGC के नाम से हैं, और मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स, उसकी बाइंग सेलिंग और की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। मोर देन 70+ उन लोगों की इस टाइम पे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि दे शुड मूव टूवर्ड्स रियल स्टेट एज वेल, और उन्होंने ये वेंचर स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए ऑलरेडी 1.5 साल हो चुका है और ये बहुत अच्छी लोकेशन के ऊपर है, बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में है। इसकी कुछ मोर फैसिलिटीज़ और इसके फ्लोर प्लान, कितने बेडरूम हैं, पेंट हाउसेज, ये जितनी भी डिटेल्स हैं उसकी मैं आप लोगों के साथ प्राइसेस वगैरह भी इसी वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहले तो ये कि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम डिवाइन पूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। यहाँ पर अगर उनकी रेजिडेंशियल के हवाले से जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं उनकी बात की जाए, यहाँ पर किड्स प्ले एरिया है, इंडोर रिसेप्शन, कैप्सूल लिफ्ट्स हैं, पैसेंजर कार्गो लिफ्ट्स अलग से हैं, डिवाइन वाटरफॉल सिस्टम है, डिजिटल का लॉक सिस्टम है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम है, पार्किंग का बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे दिया जा रहा है, इमरजेंसी एग्जिट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। फर्दरमोर मैं अगर लोअर ग्राउंड के फ्लोर प्लान के हवाले से उनकी जो फैसिलिटीज़ लोअर ग्राउंड पे प्रोवाइडेड है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर फ्रंट फेसिंग शॉप्स हैं, ये शॉप्स के लिए बेसिकली लोअर ग्राउंड पूरा रिजर्व है, और यहाँ पर 12 स्पेशियस जो है आउटलेट्स होंगे। उसके अलावा किड्स प्ले एरिया है, वाइड कॉरिडोर है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन की जा रही है, मेंटेनेंस सर्विसेज हैं। मिनिमम इसका जो है स्क्वायर फीट साइज वो स्टार्ट होता है 588 से और मैक्सिमम जाता है 735 स्क्वायर फीट तक। ये मैं आपको लोअर ग्राउंड के फ्लोर प्लान के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद मूव करते हैं जी ग्राउंड फ्लोर प्लान की तरफ। ग्राउंड फ्लोर प्लान जो है वहाँ पर भी जो है कमर्शियल स्पेसेस हैं और मिनिमम इनका जो साइज है वो स्टार्ट होता है 406 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम ये जाता है 735 स्क्वायर फीट तक। फर्दर मोर जो इनका फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है वहाँ पे जो है वर्किंग स्पेस है, फिटनेस क्लब है, इंडोर प्ले एरिया है, टेरेसेस हैं। तो इनका जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे जो साइजेस हैं कॉर्पोरेट साइजेस वो हैं 395-740 स्क्वायर फीट। थर्ड फ्लोर प्लान ऑनवर्ड्स जो है बेडरूम्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, इनके अपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो 1 और 2 बेडरूम लग्जरी अपार्टमेंट्स जो है थर्ड फ्लोर प्लान पे थर्ड फ्लोर पे मौजूद हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है स्मार्ट इन्फिनिटी पूल भी लॉन्च किया जा रहा है वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए। डिवाइन वाटरफॉल हैं, टेरेसेस हैं, वाइड बालकनीज हैं, वाइड कॉरिडोर्स हैं, और अगेन मैंने पहले भी बताया डिजिटली इनके जो है डोर लॉक सिस्टम्स हैं पूरे, फायर सेफ्टी सिस्टम है, मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, और कार्गो एंड कैप्सूल लिफ्ट्स वगैरह यहाँ पर भी मौजूद हैं। मिनिमम साइज इनका स्टार्ट होता है अपार्टमेंट्स का 592 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम ये जाता है 1142 स्क्वायर फीट तक। फर्दर मोर फोर्थ फ्लोर प्लान की तरफ आऊँ तो यहाँ पर भी 1 बेडरूम 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स मौजूद हैं और इनके जो साइजेस हैं वो स्टार्ट होते हैं 587 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम ये जाते हैं 1132 स्क्वायर फीट तक। फर्दर मूविंग ऑन टूवर्ड्स नाउ द फिफ्थ फ्लोर प्लान, यहाँ पर भी अपार्टमेंट्स हैं और स्टार्ट होता है इसका जो मिनिमम साइज है वो है 569 स्क्वायर फीट और मैक्सिमम ये जाता है 1083 स्क्वायर फीट तक। सिक्स्थ फ्लोर प्लान अगेन इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन अपार्टमेंट्स, यहाँ पर भी 1 बेडरूम और 2 बेडरूम के लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, सीनिक व्यू इनकी बालकनीज हैं, और उसके अलावा जो यहाँ पर साइजेस हैं इन तमाम अपार्टमेंट्स के जो फ्लोर्स मैं आपको बता रही हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ साइजेस का थोड़ा बहुत फ़र्क है। 594 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है एंड 1037 स्क्वायर फीट तक इसका मैक्सिमम साइज जाता है। सेवन्थ फ्लोर प्लान जो है इनका, यहाँ पर स्टूडियो और सिर्फ 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स मौजूद हैं।
और इनके जो साइजेस हैं, ऑफ कोर्स बाकी अपार्टमेंट्स जो कि वन बेडरूम टू बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं उनसे छोटे हैं, तो क्योंकि वन बेडरूम और स्टूडियो अपार्टमेंट वैसे भी छोटा ही होता है, तो उसका जो मिनिमम साइज है वो है 426 स्क्वायर फीट और मैक्सिमम ये जाता है 677 स्क्वायर फीट तक। फर्दर मूविंग टूवर्ड्स देयर एट्थ फ्लोर प्लान, यहाँ पर भी स्टूडियो और वन बेडरूम अपार्टमेंट मौजूद है। इसकी भी सीनिक व्यू बालकनीज हैं और उसके अलावा इनका जो साइज है वो स्टार्ट होता है मिनिमम 413 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम ये जाता है 694 स्क्वायर फीट तक। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इनके लास्ट फ्लोर की तरफ जो कि डुप्लेक्स पेंट हाउसेज के ऊपर बेस्ड करता है। अब पेंट हाउसेज जो है वो काफ़ी साइज में स्पेशियस होते हैं, बड़े होते हैं, तो जो डुप्लेक्स पेंट हाउसेज हैं इनके वहाँ पर स्विमिंग पूल मौजूद है, वहाँ पर OTS टेरेस है, बारबेक्यू एरिया सेपरेटली दिया जाएगा, 24/7 सिक्योरिटी सर्वेलेंस है, फायर सेफ्टी सिस्टम है, मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, लिफ्ट्स वगैरह पूरे प्रोजेक्ट में ओवरऑल मौजूद है। तो इनके जो मिनिमम साइज है वो स्टार्ट होता है 4058 स्क्वायर फीट से और मैक्सिमम ये जाता है 4196 स्क्वायर फीट तक। और ये इनके पेंट हाउसेस के बाद जो है ये प्रोजेक्ट दैट्स इट, मतलब यहाँ पर इसके बाद और कोई मजीद फ्लोर्स नहीं है। तो ये इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल मैंने आप लोगों को फ्लोर प्लान और इसके साइजेस और जो कुछ फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, अब बात करनी चाहिए इसके प्राइजेस के बारे में कि इसकी प्राइजेस क्या हैं। मैं आपको इसके पर स्क्वायर फीट रेट्स भी बताऊंगी और इसके साथ साथ इसके टोटल प्राइजेस, यानी कि अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट में पैसे मौजूद हैं तो आप इस प्रोजेक्ट में इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके जो पर स्क्वायर फीट रेट है लोअर ग्राउंड से अगर मैं स्टार्ट करूं तो वो है 35,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट, ठीक है। और उसके बाद जो इनका ग्राउंड पेमेंट प्लान है जो कमर्शियल रिटेल एरिया है उसकी जो एरिया के हिसाब से जो उसका पर स्क्वायर फीट रेट है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। कुछ इनकी कॉर्नर की जो शॉप्स हैं उसका रेट है 57,750, ठीक है। और उसके अलावा जो जनरल बाकी इनके वहाँ पर शॉप्स मौजूद हैं वो हैं 55,000 के, ठीक है। तो कॉर्नर इज 57,750 एंड द जनरल वंस आर 55,000 पर स्क्वायर फीट। नाउ मूविंग ऑन टू देयर फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो जनरल कैटेगरी के जो वहाँ पर शॉप्स हैं उनका जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो है 25,500 रुपीज ओनली। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड फ्लोर प्लान, इसका भी जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो है 21,500। थर्ड फ्लोर प्लान की तरफ आते हुए जो कि जहाँ से रेजिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाता है इसका जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो है 11,800 जो कि बहुत रीजनेबल है। और जो टू बेडरूम है थर्ड फ्लोर के ऊपर टू बेडरूम अपार्टमेंट है उसकी जो पर स्क्वायर फीट प्राइस है वो है 11,800। और कुछ जो इनके टेरेसेस हैं वन बेडरूम के उसकी पर स्क्वायर फीट जो प्राइस है वो है ओनली 4,000 रुपीज। फर्दर मूविंग ऑन टू द फोर्थ फ्लोर प्लान, यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली सेम रेट्स हैं। जो वन बेडरूम अपार्टमेंट के पर स्क्वायर फीट रेट है वो है 11,800 रुपीज। फिफ्थ फ्लोर के ऊपर भी 11,500 रुपीज जो है पर स्क्वायर फीट रेट है वन बेडरूम अपार्टमेंट्स का, और टू बेडरूम अपार्टमेंट्स का भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है 11,500 रुपीज। नाउ मूविंग टूवर्ड्स देयर सिक्स्थ फ्लोर प्लान, यहाँ पर भी सेम रेट है फॉर वन बेडरूम एंड टू बेडरूम पर स्क्वायर फीट 11,500 रुपीज जो कि बहुत रीजनेबल है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेवेंथ फ्लोर प्लान, इसका जो पर स्क्वायर फीट रेट है यहाँ पर भी वन बेडरूम और स्टूडियो अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, तो इट्स ऑल्सो अगेन द सेम 11,500। मूविंग टूवर्ड्स द एट्थ फ्लोर पेमेंट प्लान, एट्थ फ्लोर पे भी वन बेडरूम और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं और इसका जो पर स्क्वायर फीट रेट है वह भी 11,500 रुपीज़ है। अब जो नाइन्थ फ्लोर है जो लास्ट इनका फ्लोर है जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि डुप्लेक्स पेंट हाउसेस मौजूद हैं, इसके रेट्स में थोड़ा सा फ़र्क है और अनफर्निश्ड जो है यहाँ पर पेंट हाउसेस दिए जाएंगे। तो जो टोटल एरिया है 4,058 स्क्वायर फीट का, उसके हिसाब से अगर मैं आपको इसका पर स्क्वायर फीट रेट बताऊँ तो वो है 12,500 जो कि अगेन बहुत ही रीजनेबल है इफ़ यू सी कि ये पेंट हाउस के लिए एक डुप्लेक्स पेंट हाउस का रेट है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। और इसके अलावा टेरेस जो है, टेरेस का जो एरिया है पेंट हाउसेस के साथ वो है 687 स्क्वायर फीट और वो भी इसमें शामिल होगा ऑफ कोर्स अगर आप लोग जो है बाय करते हैं पेंट हाउसेस, तो इसको जो पर स्क्वायर फीट रेट है दैट इज 5,000 रुपीज ओनली। इस प्रोजेक्ट की डाउन पेमेंट है वो जो स्टार्ट होती है 30% से, उसके बाद इसकी 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं और उसके ऊपर मंथली रिटर्न्स भी दिए जाते हैं। तो अगर आप लोग इस हवाले से इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि आप लोगों को मंथली ROI मिल सके तो उसके हवाले से भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगी कि पर मंथ वो क्या ROI प्रोवाइड करें और उनका जो ROI है वो जब जैसे ही प्रोजेक्ट ख़त्म होगा उसके बाद इट विल स्टॉप, यानी कि इसमें मंथली ईयरली गेंस नहीं है क्योंकि ये जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है
सिर्फ तब तक, यानी जब तक ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है सिर्फ तब तक जो है इसके ऊपर आप लोगों को ROI दिया जाएगा। सो व्यूअर्स, ये थी MGC Divine की कुछ डिटेल्स जो मैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। इसका मैंने एक और वीडियो बनानी है जो कि इसकी साइट के ऊपर है, और वहाँ पे फर्दर मैं आप लोगों से मजीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल्स भी शेयर करूंगी और आप लोग इसका साइट विजिट भी कर सकेंगे। काम इस पर बहुत तेज़ी से हो रहा है, इसके 5 फ्लोर्स तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह विद द टाइम पीरियड ऑफ 2 मोर ईयर्स नेक्स्ट इंशाल्लाह और मे बी बिफोर दैट ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग बहरिया में किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर योर अपार्टमेंट, फॉर योर शॉप, और लोकेशन उसकी बहुत ही प्रीमियम हो, तो इस प्रोजेक्ट से बेहतर, MGC Divine से बेहतर इस टाइम पे आई डोंट थिंक सो देर इज एनी अदर ऑप्शन। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन एवरी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट जो नंबर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके ऊपर। कोई और आप लोगों के क्वेश्चन हो, सवाल हों, कॉमेंट्स में भी आप लोग हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोगों से पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Also share this video with others as well, like this video, aur mujhe agli dafa tak ke liye dijiye ijazat. Allah hafiz. amanat.com Pakistan's first investment portal. Mashwara amanat hai.